मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अशोका गार्डन इलाके में चल रहे 3 दिवसीय चिकित्सा शिविर का रविवार को समापन हो गया है। अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जिन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि यहां चिकित्सा शिविर का आयोजन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा आयोजित किया गया। इस दौरान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जगहों से पहुंचे, डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है और लोगों से वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने की अपील की है। एक प्रार्थना सबसे करूंगा, सेकेंड डोज जिनने नहीं लगवाया हो कोविड का जरूर लगवा ले रहे, हर एक को लगवाना है। और अगर अगल बगल में आस पड़ोस में कोई रह गया हो तो उसको भी लगवा देना। ओमिक्रॉन हो या बाकी कोई वायरस हो कोरोना का, उससे बचने का सबसे प्रभावी अगर कोई सुरक्षा कवच है तो वो सेकंड डोज है। फर्स्ट लगवा लिए, सबने लगवा लिए, फर्स्ट हाथ उठाओ जिन्हें लगवाए। अब नीचे करो, सेकंड कौन कौन ने लगवाए हाथ उठाओ। कुछ लोग रह गए ऐसा लग रहा, पत्रकार नहीं उठा रहे। तो सब लगवा लेना मेरे बहनों और भाई को, इसका मुकाबला करना है, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ेंगे अपन। मास्क का हथियार भी साथ रखना, ये भी जरूरी है, और सेकंड डोज ये जरूर करना, जरूर लगवाना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर, ये हमारा उत्साहवर्धन का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर हम सबका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने पूरे कैंप को मैंने देखा, और तो स्टोर जहाँ पर हमने इस पूरे प्रोग्राम के सामान रखने वहां तक जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हमारे कैंप का अवलोकन किया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि कैलाश प्रसून सारंग फाउंडेशन जिस लक्ष्य को लेकर वो मध्य प्रदेश में जन सेवा में लगे हैं, ये बात सही है कि केवल सरकार के भरोसे हर काम नहीं हो सकता। समाज के हर वर्ग को इस लक्ष्य को साधने के लिए समाज सरकार के साथ लगना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के काल में जिस प्रकार से देश में किसी भी राज्य में सर्वोच्च यदि काम किसी प्रदेश ने किया तो वो मध्य प्रदेश ने किया, और उसका श्रेय किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। उनका क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फॉर्मेशन का, समाज के साथ मिलकर सरकार कोरोना की लड़ाई लड़े, उसके कंसेप्ट को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी तारीफ की थी, और वही प्रकल्प को हमने आगे बढ़ाया है कि सरकार के साथ समाज मिलकर काम करे, और वो जो सबसे ज्यादा शोषित है, जिनको इलाज की जरूरत है, उसको हम एक ही मंच पर लाकर हर तरह का इलाज करें, वो हमने प्रयास किया है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई की है। मुंबई से, पूना से, दिल्ली से, चेन्नई से जो डॉक्टर्स आए हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उन्होंने एक पत्र पर, मैंने एक पत्र लिखा और वो यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सबको आशीर्वचन दे।